हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हर चीज़ के पीछे ना कोई ना कोई बात ज़रूर छुपी होती है। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी और सिंपल मटन करी की रेसिपी और इसे बनाने के पीछे की बात। तो गाइस, हुआ यूँ ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ना ये इतना सारा मटन घर पर अचानक ही भेज दिया, तो मैं तो नहीं समझ पाई कि कम टाइम में इसे कैसे बनाओ। फिर मैंने ना मेरी मासी की निंजा टेक्निक यूज़ करते हुए इस रेसिपी को बनाया और इसकी जो रिजल्ट थी ना, वाकई में मैं तो शॉक ही हो गई भाई। तो गाइस, आपको क्या करना है, रिजल्ट के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। और रेसिपी के लिए आपको लेना है कुकर, उसमें ऐड करना है मटन, दही, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, फिर आपको ऐड करना है बहुत सारे ऑनियंस, हल्दी, नमक, तेल, गरम मसाला, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद आपको ना इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने रखना है। तो गाइस, अगर आपके पास टाइम ना हो ना, तो आप इसे बिना मैरिनेट किए ही स्टोव पे रख सकते हो। तो स्टोव पे रखने के बाद ना आपको इसे हल्का हल्का ऐसे 10 मिनट्स के लिए ना चलाते रहना है, और जैसे आपको लगे कि चिपकने लग रहा है तो आपको बस वाटर ऐड करके इसे 4-5 विजिल तक ना होने देना है। तो थोड़ा सा कुक होने के बाद आपको ऐड करना है टमाटर की प्यूरी एंड थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद आपको इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला एंड फिर मटन मसाला थोड़ा सा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा वाटर जो है ना मेरे साथ ज़्यादा डल गया है, तो मैंने इसे थोड़े ज़्यादा देर तक कुक होने दिया। तो गाइस, कुक होने के बाद ना आपकी जो मटन करी की रेसिपी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना।